अगले जो कवि हैं उनका नाम बुलाने से पहले असल में वो क्या है कि थोड़ा देश हित की बातें करेंगे। तो उनका नाम बुलाने से पहले मैं आप सबको कुछ चंद पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। सुनिएगा, कभी लिखी थी किसी ने कहा अभी कि आज तक कभी वो वाली तुमने पढ़ी नहीं, लिखा तो है बहुत बढ़िया। सुनिएगा, अपने पिताजी के ऊपर मैंने लिखी है क्योंकि आज तक मैं पिताजी के सामने कभी खड़ा होकर कह भी नहीं पाता हूँ, उनके लिए मैंने लिखा है। सुनिएगा कि शायद कभी मैं ये कह ना पाऊं, शायद कभी मैं ये कह ना पाऊं, पर अपनी हर परेशानी में खुद से ज्यादा मैं आपको दुखी पाऊं। आगे सुनिएगा, मुझे आज भी याद है, मुझे याद भी याद है बचपन में जब मुझे बुखार होता था, मुझे आज भी याद है बचपन में जब मुझे बुखार होता था, मेरे तकिए पर रात भर आपका हाथ होता था। आगे सुनिएगा, मैं याद है आपको वो मेरी वजह से आप बेवजह रोए थे, याद है आपको वो मेरी वजह से आप बेवजह रोए थे, मेरे पास न होने पर आप भी रात भर न सोए थे। पहली बार हम दोनों, मतलब हम लखनऊ आ गए थे, पापा जी वहीं थे, तो याद है आपको आप भी रात भर न सोए थे, मेरी हर गलती पर मुझे डांट कर समझाते थे, मेरी हर गलती पर मुझे डांट कर समझाते थे, और मेरी नाराजगी पर मुझे बड़े प्यार से प्यार जताते थे। मेरे ख्वाबों को आपने अक्सर हकीकत में बदला, मेरे लिए आपने अपना घर भी बदला, मेरे लिए आपने अपना घर भी बदला। शायद कभी मैं ये कह ना पाऊं, शायद कभी मैं ये कह ना पाऊं, बस यही दुआ है मैं सारी जिंदगी आपका गुणगान गाऊं, बस यही दुआ है कि मैं सारी जिंदगी बस आपका गुणगान गाऊं। भैया अवधराम गुरु, सभागार में उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और अपनी काव्य पाठ प्रारंभ करता हूं। सुधांशु भाई ने आपको पिता के ऊपर चंद लाइनें सुनाई, मैं भी पिता के ऊपर चंद लाइनें अपनी प्रस्तुत करता हूं। कि कुछ भाव विभोर करने वाली यादें जुड़ी हैं पिता से, कुछ भाव विभोर करने वाली यादें जुड़ी हैं पिता से, साफ साफ कहूं तो बुनियादें जुड़ी हैं पिता से। कुछ भाव विभोर करने वाली यादें जुड़ी हैं पिता से, साफ साफ कहूं तो बुनियादें जुड़ी हैं पिता से। पिता है तो समझो पिता पर भविष्य है, पिता है तो समझो पिता पर भविष्य है, जब पिता ना रहे तो चिता पर भविष्य है, जब पिता ना रहे तो चिता पर भविष्य है। और चार पंक्तियां कृषकों की गुजारिश है, और उस चार पंक्तियां आपको प्रस्तुत करता हूं। कि जब दिल्ली के दरबारों में टेर नहीं लगती, जब दिल्ली के दरबारों में अन्य पुरुष की टेर नहीं लगती, तो हलको हथियार बनाने में किंचित भी देर नहीं लगती, जब दिल्ली के दरबारों में अन्य पुरुष की टेर नहीं लगती, तो हलको हथियार बनाने में किंचित भी देर नहीं लगती। जाओ जाकर कह दो शासन की बंदूकों से आंदोलन का आगाज सुने, गर उधरों में अन्न हलाली हो तो कृषकों की आवाज सुने, गर उधरों में अन्न हलाली हो तो कृषकों की आवाज सुने। अब अपनी मुख्य रचना से जुड़ना चाहता हूं कि हिमनदों में पौरुष की प्रचंडतम मगिन ले चलते हैं, आइए श्रोताओं आपको सियाचिन ले चलते हैं, आइए श्रोताओं आपको सियाचिन ले चलते हैं, आइए श्रोताओं आपको सियाचिन ले चलते हैं। कहने को तो है सियाचिन सर्वोच्च हिमानी भारत की, भारत का सबसे ऊंचा रण स्थल है। कहने को तो है सियाचिन सर्वोच्च हिमानी भारत की, पर क्या है ज्ञात तुम्हें सियाचिन में खड़ी जवानी भारत की, पर क्या है ज्ञात तुम्हें सियाचिन में खड़ी जवानी भारत की। सियाचिन वही जो हिंसा के पादप को झिंगन करती है, सियाचिन में मृत्यु जीवन का आलिंगन करती है। जहां कदम कदम पर खतरे हैं, आदमखोर हवाएं चलती हैं, वहां भी देश प्रेम से ओत प्रोत आजाद हवाएं मलती हैं, वहां भी देश प्रेम से ओत प्रोत आजाद हवाएं मल चलती हैं। जहां ठंडक से जमने की पीड़ा प्रतिपल ही दहलाती है, अमल धवल सी मिट्टी वो सियाचिन हिमानी कहलाती है।
जहाँ जाड़ों में मखमल के अंदर हम अंगड़ाई भरते हैं, तब सियाचिन के हिमनद पर जाबाज लड़ाई करते हैं। जहाँ माता की लाज बचाने को बेटा सीने पर गोली खाता है, अमल धवल सा रण स्थल वो सियाचिन कहलाता है। अमल धवल सा रण स्थल वो सियाचिन कहलाता है। अपना कर्तव्य निभाने को जो मातम उल्लास समेटे हैं, वे नाहर वीर सिपाही हैं, भारत माता के बेटे हैं। अंबर हिमकड़ बरसाता है, धरती पर बर्फीली चादर है, उस ओर दुश्मन की गोली है, इधर अपमान निरादर है। अगर एक पैर पीछे बढ़ाया तो अपमान, और एक पैर आगे बढ़ाया तो सम्मान, और छाती पर सम्मान। लेकिन उन्हीं सैनिकों को हम लोग कभी कभी प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर लगाते थे, उनके ऊपर लगा देते हैं प्रश्न चिन्ह, उनके शौर्य के ऊपर लगा देते हैं। तब एक कवि क्या कहता है सुनिए, कि अंबर हिमकड़ बरसाता है, धरती पर बर्फीली चादर होए, उस ओर दुश्मन की गोली है, इधर अपमान निरादर है। श्रवण शक्ति कम होती है, सांसें थमती है, किंचित उच्छ्वास नहीं आता, पर फिर भी कुछ कपटी कायर लोलुप लोगों को सेना पर विश्वास नहीं आता। वे राजभोग के भोगी हैं, सेना पर शंकित होते हैं, पौरुष पर प्रश्न उठाते हैं, फिर निपट महल में सोते हैं। पौरुष पर प्रश्न उठाते हैं, फिर निपट महल में सोते हैं। जो स्वयं नमक के ढीले हों, बेदर्द दवाएं क्या जाने, जो बंद पुलिंदों के गुड्डे वे सर्द हवाएं क्या जाने। बड़ी विडंबना है भारत के वीरों को, सच्चा सम्मान नहीं दे पाए हम। खड़े खड़े जाते ट्रेनों में स्थान नहीं दे पाए हम, खड़े खड़े जाते ट्रेनों में स्थान नहीं दे पाए हम। अंतिम पंक्तियां हैं कविता की, सतबार नमन उन वीरों को जो हिमकड़ों का कलेवा करते हैं, ड्यूटी करना उनको ना आया, वो तो बस माता की सेवा करते हैं। ड्यूटी करना उनको, बहुत बहुत धन्यवाद।